नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मैं इस समय आया हूँ पलिया कला रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है पर्यटकों के लिए, जो मैलानी से चलकर बिछिया तक जाती है, और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का टिकट घर। यह है हमारा टिकट घर, जहाँ पर टिकट मिलता है। ये हमारे बहुत पुराने गुरुजी यहाँ पर मिल गए हैं, और देख सकते हैं स्टेशन पे बहुत साफ सफाई है, बिल्कुल साफ सफाई बनी रहती है रेलवे स्टेशन पे पलिया कला। छोटी लाइन है यहाँ पे, बहुत कम ही गाड़ियाँ निकलती हैं, मीटर गेज है, और अलाउंस हो चुका है कि गाड़ी आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, इधर लोग इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का, और गाड़ी जो है मैलानी से चलकर केवल बिछिया तक ही जाती है, पर्यटकों के लिए स्पेशल खोली गई है। इधर बालक टहल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम आती है, इसीलिए ये लोग रेलवे कर्मचारी के ही बच्चे हैं। आप देख सकते हैं ये कैंटीन है, बहुत ही सुंदर साफ सुथरी सी कैंटीन, यहाँ आइए नाश्ता कीजिए। और जो यह ट्रेन है, अब सिग्नल हो गया है इसका, तो दोस्तों जैसे आती है मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि बहुत ही उस पर कलाकृतियाँ सुंदर की गई हैं डिब्बों पर। तो पर्यटक घूमना चाहते हैं उससे घूम सकते हैं, जंगल में उसकी स्पीड बहुत स्लो रहती है। हाँ, मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूँ, उसका किराया है पलिया से और बिछिया तक का 265 रुपये, और जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, ट्रेन जैसे ही आती है मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी है ट्रेन। मुझे लगता है कि अभी इसके बारे में किसी ने बताया नहीं होगा यूट्यूब के ज़रिए या किसी और ज़रिए कि जो है स्पेशल ट्रेन यहाँ से चल रही है। तो दोस्तों उसका जो शुभारंभ है वो कल यानी कि 8/1/2022 को हुआ है, और वह चलेगी शनिवार रविवार सोमवार। पलिया में उसके मिलने का समय है 7:40। सो दोस्तों आप उस ट्रेन से घूम सकते हैं दुधवा नेशनल पार्क की तरफ, और लुफ्त उठाइए। तो एक बार ज़रूर आइए दोस्तों, बस ट्रेन आने ही वाली है। अब आप देख सकते हैं यात्रीगण तैयार हैं, बस ट्रेन आ रही है। सो दोस्तों जिसका इंतज़ार था वह इंतज़ार ख़त्म हुआ, और जो स्पेशल ट्रेन थी वह आ गई है, देखिए। और इस पे लिखा हुआ भी है मैलानी बिछिया शुभारंभ विशेष गाड़ी, दिनांक 6 जनवरी को शुभारंभ हुआ है, लेकिन ये कल से चली है। देखिए किस तरीके से सजाया गया है इस गाड़ी को, और ये है डब्बे जिसपे हाथी शेर गेंडा बाघ बने हुए हैं। फुली एसी है गाड़ी, ये 1, 2 और 3 डब्बे फुली एसी है, और इधर जनरल बोगी लगी हुई है, जनरल बोगियाँ भी लगी हुई हैं। तो आइए चलते हैं एसी की तरफ, एसी डब्बा है उधर। आप देख सकते हैं ट्रेन पूरी खाली है जनरल बोगी, और आगे लेकर के चलते हैं, यहाँ पुलिस अंकल जी खड़े हैं, आगे लेके चलते हैं एसी डब्बे के पास, जहाँ पर जो स्पेशल बोगियाँ लगाई हैं उसके पास। असल बात है कि जाड़े का मौसम है, इस वजह से भी ये ट्रेन खाली चल रही है, और इधर सवारियाँ कुछ कम मिलती हैं, इसीलिए पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य किया गया है। यह है विशेष पर्यटक डब्बे, जिसको जो है सरकार ने स्पेशली बनाया है। ये गार्ड साहब जा रहे हैं, ये फुली एसी है, देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं इसकी सीटें भी, ये सीटें हैं, बहुत ही बढ़िया सीटें हैं।
आप एक बार की जरूर इसमें सफर करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।